आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिज्जा पिनव्हील्स और समोसा पिनव्हील्स की रेसिपी। इनको बनाना बहुत आसान होता है और इनका स्वाद भी इतना लाजवाब होता है कि आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। मेरी प्रिय सहेलियों, मैं तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रो विद किचन में। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पिज्जा पिनव्हील्स और समोसा पिनव्हील्स बनाने से पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ये कुछ ब्रेड ली हैं। मैंने व्हाइट ब्रेड ली हैं, आप इसकी जगह पे ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड, कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हो। चार आलू लिए हैं जिनको बॉईल करके छील लिया है मैंने। हरी धनिया की तीखी चटनी ली है। ये पिज्जा पास्ता सॉस लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी मिला लिया है। थोड़ी सी हरी धनिया ली है जिसको बारीक कट कर लिया है। एक हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है आधा आधा छोटा चम्मच। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसकी बिना भी बना सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर लिया है और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। थोड़े से चीज स्लाइस लिए हैं, एक पिंच हींग ली है, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने। समोसा पिनव्हील्स बनाने से पहले हम उसके लिए मसाले वाले आलू तैयार कर लेते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम आलू मैश करेंगे। इनको हमें एकदम बारीक करना है। मैंने आलू अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। आलू फ्राई करने के लिए मैंने पैन को गैस पर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है और अब हम सबसे पहले इसमें हींग डालेंगे और अब हम जीरा डालेंगे, लेकिन जीरे को हथेली पर रगड़कर डालेंगे, इससे आलुओं में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले भुन गए हैं और अब हम इसमें ये मैश किए हुए आलू डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें नमक डाल देंगे और ये अमचूर और गरम मसाला भी और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये हरी धनिया डाल देंगे। थोड़ी सी हरी धनिया मैंने बचा ली है अभी, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और हमारे मसाले वाले आलू तैयार हो गए हैं बिल्कुल। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और आलू को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम ब्रेड के साइड्स को कट करेंगे। इसी प्रकार हम सारी ब्रेड्स के किनारे कट कर लेंगे। ये जो ब्रेड के साइड्स बचे हैं इनको हम मिक्सी में पीस कर ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और इससे मैंने केक बनाने की रेसिपी भी शेयर की थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने सारे ब्रेड के किनारों को कट कर लिया है और अब हम एक बेलन लेंगे, इसको बेल कर पतला कर लेंगे। इस तरह से पतला कर लेंगे इसको ब्रेड को। हम दूसरी ब्रेड लेंगे, इसको भी बेलन से बेलकर पतला कर लेंगे। मैंने सारी ब्रेड को बेलकर पतला कर लिया है और अब हम इनको साइड में रखकर एक ब्रेड लेंगे और इस पर पिज्जा पास्ता सॉस लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रख देंगे और इसके ऊपर हम ये चीज स्लाइस लगाएंगे। इसके ऊपर हम एक और ब्रेड रखेंगे और इसके ऊपर हम ये ग्रीन चटनी लगा देंगे। अब हम एक फॉइल पेपर लेंगे और उस पर इसको रख लेंगे और फॉइल पेपर की हेल्प से धीरे धीरे करके इसको रोल करेंगे और अब हम इसको इसी तरह से रोल करके दोनों ही किनारे इसके सील कर देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा भी बना लेंगे। सबसे पहले पास्ता पिज्जा सॉस लगाएंगे, इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे दूसरी और इसके ऊपर चीज स्लाइस लगाएंगे, एक और ब्रेड लगाएंगे, इसके ऊपर हरे धनिया की चटनी लगाएंगे, इसको फॉइल पेपर के साथ फोल्ड करेंगे और इसके भी दोनों किनारे सील कर देंगे और ये हमारा दूसरा पिज्जा पिनव्हील तैयार हो गया है। इसी तरह से अब हम समोसा पिनव्हील बनाएंगे। हमारे आलू भी ठंडे हो गए हैं समोसा पिनव्हील बनाने के लिए, तो अब हम सबसे पहले एक ब्रेड लेते हैं और इस पर पिज्जा पास्ता सॉस लगाएंगे, इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखेंगे और अब हम इसके ऊपर ये जो आलू हमने तैयार किए थे आलू बिल्कुल पतले पतले फैला देंगे इसके ऊपर।
मैंने आलू अच्छी तरह से इस पर लगा दिए हैं पतले पतले, और अब इसके ऊपर एक और ब्रेड रखेंगे और इसके ऊपर हम धनिए की हरी तीखी चटनी लगाएंगे और हम इसको भी उसी प्रकार से रोल करेंगे। और इसको भी हम दोनों किनारों से सील कर देंगे और ये हमारा समोसा पिनव्हील तैयार हो गया है। इसी प्रकार हम दूसरा समोसा पिनव्हील भी तैयार कर लेंगे। और मैंने सारे पिज्जा पिनव्हील्स और समोसा पिनव्हील तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आधा घंटा हो गया है और मैंने इनको फिर से निकाल लिया है। अब इनको चेक कर लेते हैं और ये बढ़िया से सेट हो गए हैं और अब हम इनको कट कर लेते हैं। इनको करीब आधा इंच के पीसेज में हम कट करेंगे। मैंने सारे पिनव्हील्स कट कर लिए हैं और अब हम इनको तवे पर सेकेंगे। अगर आपके पास ओवन हो तो आप उसे पहले 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट करें और उसके बाद इसको करीब 15 मिनट के लिए बेक कर लें। मैं इनको तवे पर सेक रही हूँ तो मैंने तवे को गैस पर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा बटर लगा देंगे। अब हम इन पिनव्हील्स पर बटर लगा देंगे। अब हम हमारे पिनव्हील्स को जिस साइड से हमने बटर लगाया था उस साइड से तवे पर रख देंगे और अब हम इनमें दूसरी साइड भी बटर लगा देंगे और धीमी आंच पर इनको 2 मिनट के लिए सिकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इनको एक चम्मच की हेल्प से पलट देंगे जिससे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिक जाएंगे। और कितना बढ़िया इनका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब इनको 2 मिनट के लिए इस साइड से भी हम सिकने देंगे और ये दूसरी तरफ से भी बढ़िया सिक गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और अब हम इनको निकाल लेते हैं। मैंने सारे समोसा पिनव्हील प्लेट में निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया सिककर तैयार हुए हैं। अब हम पिज्जा पिनव्हील भी अच्छी तरह से सेकेंगे तवे पर। इसके लिए मैंने तवे पर बटर लगा लिया है और अब हम इनको भी उस साइड से रख देंगे जिस साइड से हमने इनमें बटर लगाया था। अब इन पर भी हम दूसरी साइड भी बटर लगा देंगे। इनको भी हम धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए सेकेंगे और उसके बाद हम इनको पलटेंगे और दूसरी साइड से भी सेकेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इनको पलट देते हैं। और ये दूसरी साइड से इतने बढ़िया सिके हैं। 2 मिनट हो गए हैं और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये भी हमारे दोनों साइड से बढ़िया से सिक गए हैं। मैंने पिज्जा पिनव्हील्स को और समोसा पिनव्हील्स को प्लेट में सर्व कर दिया है और आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। लीजिए, हमारे पिज्जा पिनव्हील्स और समोसा पिनव्हील्स बनकर तैयार हो गए हैं और ये दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, इनका स्वाद इससे भी ज्यादा लाजवाब है। अब आप भी इन्हें बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरी ब्रेड पिज्जा की रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।